मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। बुधवार को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उप अधीक्षक शहीद हो गए। यहां बता दें कि अब तक दो जवान लापता बताए जा रहे हैं। मामले का जायजा ले रहे अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह अनंतनाग जिले के गारोल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद होने वाले में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनिक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शामिल हैं। हम बात करेंगे कर्नल मनप्रीत सिंह की। आज उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। जब उनको विदाई दी जा रही थी, उनका काफिला नजदीक आया तो लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वो अपने हीरो को, देश के जवान को एक आखिरी बार अलविदा कहना चाहते हैं। अपने देश के जवान को एक अंतिम विदाई के लिए कितनी भीड़, कितना जनसैलाब और कितना प्रेम उमड़ रहा है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आपको बता दें, जब मनप्रीत सिंह की मां को पता लगा कि उनका लाडला अब देश की सेवा और नहीं कर पाएगा, वो अपनी अंतिम सांसें ले चुका है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। क्या कुछ कह रही थी, वीडियो देखिए। मेरा दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल हुई थी, 3 बजे, 3 बजे दोपहर नू मेरी गल हुई थी। कहना मैं सुत्ता पिया उठा, तुसी भी राम कर लो मम्मी। ओदे बच्चे भी आए हुए थे, वो भी गए संडे नू, रात रह के गए। कहने अगले महीने छुट्टी आना हफ्ते तक, नहीं हजे नहीं छुट्टी ते आना, था ट्रांसफर ता जून तक थी, मई जून तक थी, मई जून तक रहना था उधर। 4 साल हो गए थे उन्हें श्रीनगर च, श्रीनगर च 4 साल हो गए अतवादियों ना लोहा लंदे नू। 8-8 दिन साड़ी गल नहीं थी हुंदी उहदे नाल, असी फोन करना उन्हें चकना ना, असी बंद कर देना भी वो गल नहीं कर सकता, फिर आपे कर दता फोन, वेला होके कर दता। इन्ना काम था मेरे पुत नू, छुट्टी भी नहीं था आंदा, छुट्टी भी नहीं था आंदा, इन्ना काम सी। कहना मैं मम्मी कि सिर ते छड के आवा, मेरे सिर ते बहुत काम, मेरे पुत ने इन्ना उहदा लिया, छोटे च रह जांदा ना, करन लवणदा हले ना बनता हले, तो उम्र भी ओदी 40 साल थी, 40 साल उम्र थी हले ओदी, बच्चे भी छोटे, बच्चे हुण कित्थों पापा पापा कहणगे, कित्थों कित्थे जाणगे बच्चे, अपने पापा भी लभण, अपने पापा आर्मी च ते आपको बता दें कि मनप्रीत सिंह साल 2003 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। इसके बाद 2005 में उन्हें कर्नल बना दिया गया। मनप्रीत सिंह ने देश के दुश्मनों के खिलाफ चलाए गए भारतीय सेना के कई अभियानों का नेतृत्व किया। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में बुधवार को कर्नल मनप्रीत सिंह की जान चली गई। पंजाब के मोहाली के भरोजान के रहने वाले कर्नल मनप्रीत के शहादत की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी, शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई नम आंखों से कर्नल की बहादुरी की बातें कर रहा था। अपनी बहादुरी के लिए कर्नल मनप्रीत सिंह को भारतीय सेना ने मेडल से भी सम्मानित किया था।